आज फाइनली एक फिल्म का अनाउंसमेंट हुआ है करण जौहर द्वारा प्रोडक्शन में रिलीज होने वाली इस फिल्म का नाम है स्क्रू किला। आजकल एक ट्रेंड चल चुका है कि किसी भी फिल्म को रिलीज होने से पहले उसकी अनाउंसमेंट कर दो उसके टीजर के साथ। तो इसका टीजर स्टार्ट होता है हमारे जो टफ एंड टफ एंड टाइगर श्रॉफ, वो जो है हथकड़ी में बंधे होते हैं और कहते हैं कि मुझे सर आप गलत फहमी आपको नहीं पता है, लेकिन वो सामने से एक लड़की की आवाज़ आती है तो हमारे हीरो को जोश आ जाता है और फिर जोश में आके ऐसे ऐसे मेरा हीरो करने के बाद वो कलाबाजियाँ खेलता है, वो गुलाटी मारता है। यार टाइगर श्रॉफ में इतना कहना चाहूँगा कि एक्शन के साथ साथ मेन होता है एक्टिंग। प्लीज़ आप अपनी एक्टिंग पे ध्यान दीजिए सर, एक्टिंग कुछ किया कीजिए मूवी के अंदर। सिर्फ बंदों को थोड़ा गुलाटी मारने से और कूदने से उछलने से इसको हीरो एक्टर नहीं बोला जाता है। हम जाते हैं एक मूवी देखने के लिए तो ये सोच कर उस फिल्म में एक ज़बरदस्त स्टोरी होगी, कॉमेडी होगी, एक्शन भी होगा, म्यूजिक भी होगा, बट आपकी मूवी में सिर्फ एक्शन ऑफ ऐसा एक्शन होता है कि ये किसी के ऊपर से पार होता है। टीजर बिल्कुल पसंद नहीं आया यार, एक एक चीज़ देखते कि इंसान बोर हो गया यार। साउथ वालों से कुछ चीज़ें सीखो, कुछ यूनिक चीज़ें लेके आओ जिसमें आपकी एक्टिंग दिखाई दे कि आप एक करेक्टर कर रहे हो, उस करेक्टर में आप पूरी तरीके से इन्वॉल्व। एक्चुअली होता है क्या ना बॉलीवुड में कि आप एक साथ 25 फिल्में साइन कर रहे हो, एक उस पर जा रहे हो, उस पर जा रहे हो, उस पर जा रहे हो, किसी पे फुल तरीके से फोकस हुआ है नहीं आप लोगों का। इसी तरीके से ऐसे ऐसे बकवास मूवी आप लोग कंट्रीब्यूट की फिल्मों के एक्टर्स के पास एक चीज़ की कमी ये हो गई है बिल्कुल कि एक साथ वो चार चार प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं और एक ही साथ में वो सोचते हैं जल्द से जल्द इसकी शूटिंग पूरी हो जाए। वो किसी भी फिल्मों को उस तरीके से काम नहीं करते कि उस करेक्टर में बिल्कुल पूरी तरह इन्वॉल्व हो जाएँ, उस करेक्टर की ही तरह रहें। कुछ कुछ एक्टर थे पहले जो अपने करेक्टर के लिए साल दो दो साल मेहनत करते थे, जैसे MS धोनी में सुशांत सिंह राजपूत ने की थी, संजू में रणबीर कपूर ने की थी, आमिर खान करते ही हैं, तो उस तरीके से होना चाहिए। सुल्तान में सलमान खान ने की तो होना चाहिए ऐसा, बट एक सेट सूट किया या दूसरे सेट पर चले गए। और यार टीजर में फुल आपका वही एक्शन दिखा है जो हम लोग शुरू में बागी टू हीरोपंथी हीरोपंथी में सब में वही दिखा है, कोई यूनिक चीज़ नहीं है। फालतू की हीरोगिरी है, सबको आती नहीं, मिली जाती नहीं, फालतू की चीज़ें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया आपका ये टीजर। आपको कैसा लगा?